नमस्कार, यह रेडियो प्लेबैक इंडिया। गीत, कविता, कहानी या किस्सा, हर जज्बा इंडिया के दिल का। रेडियो प्लेबैक इंडिया। जब मुश्किल समय आए, सब कुछ बेकाबू हो जाए, उससे थोड़ा अधिक प्रेम करना, जिससे अब तक तुम करते आए। साथियों, यह हम नहीं कह रहे हैं, ये पंक्तियां हैं हमारे आज के ऑथर ऑफ द मंथ की। काव्य तरंग सुनने वाले सभी श्रोताओं का रेडियो प्लेबैक इंडिया की इस प्रस्तुति में तहे दिल से स्वागत है। इस जानिब से पूजा अनिल का नमस्कार पहुंचे आप सभी श्रोताओं तक। सुनते रहिए दोस्तों रेडियो प्लेबैक इंडिया। आप सभी का अपनापन और प्रेम हमारी कविताओं को लगातार मिलता आ रहा है। अप्रैल महीने में हमने प्रेम विषय को लेकर ओपन माइक कार्यक्रम आयोजित किया। वे सभी एपिसोड आप लोगों ने बेहद पसंद किए। आपकी प्रतिक्रिया हमें प्रतिबद्ध करती है कि नियमित अपने कार्य को आप तक लाते रहें। तो इस महीने का ओपन माइक विशेष कार्यक्रम अब आपके समर्थन तथा साथ से सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। आज के एपिसोड में हम प्रेम विषय पर हमारा आखिरी एपिसोड लेकर उपस्थित हैं। यह एपिसोड समर्पित है एक कवि विशेष को। तो दोस्तों, अब अधिक भूमिका न बांधते हुए हम आपको बता दें कि अप्रैल महीने की थीम प्रेम के अनुरूप, इसके लिए सबसे उपयुक्त समकालीन कवि गीत चतुर्वेदी को हमारे काव्य तरंग की टीम की तरफ से ऑथर ऑफ द मंथ चुना गया है। हम इनकी कविताएं सुनेंगे आज निखिल आनंद गिरी के स्वर में। आलेख है मेरा ही यानी पूजा अनिल का। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आज का यह विशेष काव्य तरंग एपिसोड। साथियों, प्रेम को लिखना प्रेम को अनुभव करने जैसा ही मानिए। यद्यपि सब लिखने वालों के लिए ठीक ठीक ऐसा ही नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमारे आज के कवि के लिए हम ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि उनके लिखे हुए को पढ़ते हुए शब्द दर शब्द प्रेम की गहराई अनुभव होती है। अंतस को छू जाने वाला शब्दों का जो सलीका इन कविताओं में देखते हैं हम, जो भाव संप्रेषित करती हैं ये कविताएं, जिस तरह पढ़ते और सुनते हुए अचानक से मन जुड़ जाता है इन प्रेम कविताओं से, वो सब प्रेम को अनुभव करने के लिए पूर्णतः पर्याप्त हैं। इतनी स्निग्धता से प्रेम अपनी जगह बना ले कि आपको पता ही न चले। ऐसे शब्दों में आप पर प्रेम उड़ेला जाए कि मदहोशी में आप जान ही न पाए कि प्रेम की बारिश में भीग रहे हैं। इतना कोमल हो प्रेम का स्पर्श कि बखान करने को शब्द चूक जाएं। कोरी कल्पना सा प्रतीत हो रहा है ना, तो आइए बजाहिर हम सुनते हैं गीत चतुर्वेदी की ये कविता जिसका शीर्षक है प्रेम इस तरह। ये कविता ली गई है उनके कविता संग्रह न्यूनतम मैं से। प्रेम इस तरह। प्रेम इस तरह किया जाए कि प्रेम शब्द का कभी जिक्र तक ना हो। चूमा इस तरह जाए कि होंठ हमेशा गफलत में रहें। तुमने चूमा या मेरे ही निचले होंठ ने औचक ऊपरी को छू लिया। छुआ इस तरह जाए कि मीलों दूर तक तुम्हारी त्वचा पर हरे हरे सपने उगाएं। तुम्हारी देह के छपरे के नीचे मुंह अंधेरे जल तरंग बजाएं। रहा इस तरह जाए कि नींद के भीतर एक मुस्कान तुम्हारे चेहरे पर रहे। जब तुम आंख खोलो वो भेस बदल ले। प्रेम इस तरह किया जाए कि दुनिया का कारोबार चलता रहे, किसी को खबर तक ना हो कि प्रेम हो गया, खुद तुम्हें भी पता ना चले। किसी को सुनाना अपने प्रेम की कहानी तो कोई यकीन तक ना करे। बचना प्रेम कथा का किरदार बनने से, वरना सब तुम्हारे प्रेम पर
तरस खाएंगे। एक प्रेम वो जो इस धरती पर दिखता है, एक वो जो कहीं नहीं दिखता, मगर हर जगह हर समय मौजूद है। बात कर रहे हैं हम उस रूहानी प्रेम की। देखा जाए तो किसी भी भाषा से परे है प्रेम की बोली। हाथ फेर कर देखिए कभी किसी पशु की पीठ पर, उसे भी प्रेम समझ में आएगा। किसी पौधे को प्रेम से छू लीजिए, तुरंत झुरझुरी महसूस करता है। ख्याल आता है ना कि कहां से आती है यह भावना। कभी सोचा है आपने कि क्यों हम प्रेम को ही हमेशा सर्वोच्च भावना कहते हैं? क्यों जब हम प्रेम में आकंठ डूबे होते हैं तो आसपास सब कुछ बस प्रेम भरा ही दिखने लगता है? हम कहते हैं कि सृष्टि के निर्माण का आधार ही प्रेम है, किंतु सच तो ये है कि हम कभी जान ही नहीं सकते कि प्रेम हम तक किस किस तरह पहुंचता है। गीत चतुर्वेदी की ये कविता शायद कोई रूहानी राज खोलकर प्रेम तक जाने की राह बना दे। आलाप में गिरह कविता संग्रह से सुनिए ये कविता। कितनी ही पीड़ाएं हैं जिनके लिए कोई ध्वनि नहीं, ऐसी भी होती है स्थिरता जो हूबहू किसी दृश्य में बंधती नहीं। ओस से निकलती है सुबह, मन को गीला करने की जिम्मेदारी उस पर है। शाम झांकती है बारिश से, बचे खुचे को भिगो जाती है। धूप धीरे धीरे जमा होती है कमीज और पीठ के बीच की जगह में, रह रहकर झुलसाती है। माथा चूमना किसी की आत्मा चूमने जैसा है, कौन देख पाता है आत्मा के गालों को सुर्ख होते। दुख के लिए हमेशा तर्क तलाशना एक खराब किस्म की कठोरता है। प्रेम में हिसाब किताब का बड़ा महत्व होता है दोस्तों, यानी मैंने प्रेम दिया तो मुझे भी प्रेम मिलना चाहिए। यह विचार इस कदर प्रबल रहता है कि प्रेमी जोड़े सदैव इस मामले पर उलझे होते हैं कि मैंने तुमसे अधिक प्रेम किया है, तुम मुझसे कम करते हो। अक्सर देखा तो होगा ये आपने, है ना? और अगर खुद ही आपने इस स्थिति को जिया है तो हम तो यही कहेंगे कि इस प्यार भरी नोकझोंक से बढ़कर दुनिया में कोई सुख नहीं मिला होगा आपको, है ना? कुछ ऐसा ही मन कर रहा है ना कि सारे कामों से दूर कुछ पल निकालकर अपने प्रेम के साथ जीने का एक छोटा सा प्लान किया जाए। तो क्या कहते हैं दोस्तों? चलिए देखते हैं क्या कहती हैं हमारे आज के कार्यक्रम में ऑथर ऑफ द मंथ की तीसरी कविता, खुशियों के गुप्तचर कविता संग्रह से। रूठी हुई धागों से जख्म देती खंजर से सिलती है, धागों से जख्म देती खंजर से सिलती है। वो मुझसे ऐसे बात करती है जैसे गलत कब्र पर फूल रखती है, जबकि मैं उससे कहता हूं तुम्हारे बिना मैं उतना ही अकेला हूं जितना एक पैर की चप्पल। तुमसे दूरी एक छोटे आकार का शहर है जिसकी हर गली में मेरे कदमों के निशान हैं। मेरा प्यार एक छोटे आकार का शहर जिसके कई हिस्सों से तुम अब भी अपरिचित हो। जानता हूं तुम्हारी नाराजगी अभी मिट जाएगी, मुझे ईश्वर पर नहीं प्रेम पर भरोसा है, और वो प्रेम ही क्या जिसमें ईश्वर न हो। आलमारी से किताब निकालती गुर्र से कहती है, चलो हटो लबार, मुझे बहुत से काम हैं, और मुंह फेर कर चोरी चोरी हंसती है। जीवन में सब कुछ समाप्त हो जाता है ऐसा कहते हैं लोग, जीवन भी चलते चलते समाप्त हो जाता है, मगर प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। प्रेम हमेशा रहता आया है इस पृथ्वी पर
और आगे भी रहेगा, हमेशा ही। मगर जब हम जाने की बात करते हैं तो एक अचानक ही अनकही वीरानगी महसूस होने लगती है। वो जो अभी अभी सामने है वो कुछ ही देर में दृष्टि से दूर हो जाएगा, ये सोचना ही कितना दुखी कर जाता है। विरह की वेदना शायद प्रेम की पूरक है। कोई चाहे या न चाहे, हर एक प्रेम करने वाले को इस वेदना से गुजरना ही पड़ता है। कभी कभी तो बेअंत प्रतीक्षा भी झेलनी पड़ती है। ऐसे में सपनों का सहारा मिल जाता है। कभी तो एक राहत मिल जाती है, वो भी तब जब नींद आए। प्रेम और सपनों के बीच तालमेल बिठाती हुई कुछ कह रही है ये कविता। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम की आखिरी कविता, जाने से पहले। दुनिया बेसुरे संगीत से सम्मोहित है और तुम मेरी छुवन से बुना गया मौन। मेरे सपने मछलियों की तरह हैं, नींद से बाहर सांस नहीं ले पाते। एक बगुला घात लगाकर बैठा रहता है मेरी नींद के जल तल पर। वक्त गुजरता जाता है, वक्त को गुजरने के लिए जाने कितने पल चाहिए। मैं वक्त से तेज हूं, एक पल में गुजर जाऊंगा। जाने से पहले तुम्हें क्या दूंगा, मेरे सपने तो बगुले खा जाएंगे। तुम कहती हो मासूमियत, अरे नहीं, प्यार वो फल है जिस पर मासूमियत का छिलका होता है और बिना छिलका उतारे इस फल को खाया नहीं जाता। ये जो मेरा जस्म है इसे उगाने में मुझे बरसों लगे हैं। दिल तो खैर मेरा जन्मजात ऐसा ही है, कदम कदम पर जख्मी होता। मांगोगी तो भी यह जस्म नहीं दे पाऊंगा, आग का इस पर बरसों से दावा है। यह दिल देता हूं, इसे एहतियात से रखना कि यह उसका है जिसने सपने देखे थे। वो लम्हा जहां सपनों की धुंधली लकीर बची रह जाती है, वो पल जहां विदा लेने की घड़ी आ जाती है। कुछ विचलित तो जरूर करती है, मगर जैसा हमने पहले ही कहा कि कुछ भी सदा के लिए नहीं रहता, तो हमें भी अब अगले कार्यक्रम तक आपसे विदा कहना होगा। गीत चतुर्वेदी की इन प्रेम कविताओं को सुनिए, सुनाइए और आप भी आनंद लीजिए। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप काव्य तरंग के साथ यूं ही जुड़े रहिए। हम आपको इसी तरह सुंदर कविताओं के संसार की सैर करवाते रहेंगे। इस बार के प्रेम विशेषांक को यहीं विराम देते हैं। अब एक नई थीम के साथ मिलेंगे जल्दी ही। तब तक काव्य तरंग के साथियों को निखिल आनंद गिरी का प्यार भरा नमस्कार। रेडियो प्लेबैक इंडिया, गीत कविता कहानी या किस्सा, हर जज्बा इंडिया के दिल का। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक। सुनते रहिए दोस्तों रेडियो प्लेबैक इंडिया।